भी सारे हक में आ जाएं, 1/3 आ गया कह दें, ठीक है, ऑलमोस्ट एक तिहाई में से आपकी 22 नशिस्तें हैं और आप विक्ट्री स्पीच तैयार करके इसीलिए तो मैंने हैरान होकर पूछा। देखिए मसला ये कि लेट्स बी फेयर, उनको पता होगा कि वो जीत रहे हैं, ट्रेंड्स भी बहुत सारे होते हैं जो आवाम की नब्ज देखी होगी ना, जो एज सून एज फाइनल रिजल्ट आर रिसीव ठीक है। बात नहीं कह रही अभी कर रही है, मैं कह रही हूँ कि वो रिसीव जब हो जाएगा ये ट्वीट मुझे ट्रेंड भी मतलब अगर सवाल मेरा वसीम यार वो इतना ढूंढना पड़ेगा ना, आई वांट टू टॉक टू यू राइट। देखिए इस सारी चीज को पॉलिटिशियंस ने हैंडल भी करना और उसको संभालना भी है somehow, और उस क्वैगमायर से निकालना भी हमें। अब मुस्लिम लीग नून के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वजीर आजम, मरियम नवाज साहिबा वो इनकलाबी लीडर बन के आई थी कि जिन्होंने कहा निजाम और अब ये नहीं होगा, वोट को इज्जत देंगे, इन तमाम के बाद हाउ शुड दे हैंडल दिस, किस तरह हैंडल करना चाहिए इसको। देखिए विक्ट्री स्पीच तो देंगे, एक ह्यूमिलिटी के साथ देनी भी चाहिए, लेकिन ये कहना मीडिया का एक सेक्शन है, मतलब इन्हीं तो दो लोगों को आप पे भी एहसास होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं, कि मीडिया का एक सेक्शन है, मीडिया जो आपके साथ भी एक चीख चीख के कह रहे हैं, हम आज भी अपने नतीजे पे खड़े हैं, ज़ाहिर है वो जो होगा इस मुल्क में पहली दफा नहीं होगा, जो होता है इस मुल्क में सबको पता है कि क्या होता है और कैसे होता है। बराए मेहरबानी मुझे ये जो इनके भाषण है कि जो जहां लाइन, अब उनका भी यही ख्याल है, लाइन वहां से खड़ी शुरू होती है, मरियम नवाज साहिबा का ख्याल लाइन वहां से शुरू होती है जहां मैं खड़ी होती हूँ, जैसा मेरा भी यही ख्याल है। एनीवेज हाउ डू यू थिंक दे शुड हैंडल, हां हां हमारे में ये जरा सी मौजूद। एनीवेज सो ऑफ कोर्स एक तो ये तो अब तय है ना कि वो जो बयानियां वोट को इज्जत दो सिविल सुप्रीमेसी के उससे शुरू हुआ था वो बयानियां, फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहे नहीं रहा, नहीं वो बयानियां तो मरवत साहब हो गया, अभी खत्म हो गया, जाहिर सी बात है। अब ये कि जो आई एम सेइंग हाउ शुड दे हैंडल इट यार, हाउ शुड दे डू इट, आई मीन एक होता है जिसमें आप ग्रेस का भी मुजाहरा करें, बिकॉज यू आर नॉट, इमरान खान साहब का पहला वक्त था, नई नई पार्टी की पॉपुलैरिटी 11 में बनी, 18 में 6-7 साल की पॉलिटिक्स है, डेस्परेशन है गवर्नमेंट बनाने की, तो यू नो यू कैन और आपने उसका जवाब जिस तरह दिया असेंबली में और असेंबली से बाहर उस वक्त, अब इनको करना क्या चाहिए, हाउ शुड दे हैंडल इट। सो अब इसके बाद ऑप्शन जो है वो मतलब एक यू कैन ओनली चूज बेस्ट आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल वर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इस वक्त इस तासुर को तो आप खत्म नहीं कर पाएंगे। 2018 में जो इमरान खान साहब पे जो टैग लगा था वो इससे बहुत कम था, हालांकि उसकी जाहिर वजूहत थी, हम देख रहे थे क्या कुछ हुआ था, ये तो उससे मल्टीप्लाई में बहुत सारा मामला है। इन एन आइडियल वर्ल्ड आई वुड से कि चले भाई अभी भी कम से कम कोई रिकंसिलिएशन की बात करें, लेकिन अब बात है कि अब जब रिकंसिलिएशन की बात करेंगे तो सामने वाली पार्टी बोलेगी भाई जान आप हमारा हक मार के अब यहां पर बैठे हैं, तो मैं आपसे किस क्यों हाथ मिलाऊं, किसी से मुजाहरा। So, कम से कम जो करें, जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्या करें, तो कम से कम जो करें वो कम से कम ये वाला एटीट्यूड तो अच्छा भाई, कुछ जगहों पर अगर आपके भी पर चलते हैं तो यार कम से कम तोपों का रुख उधर तो ना करें कि जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, कि जिसमें आप कह रहे हैं कि ये सूटेड बूटेड एंकर ने क्योस क्रिएट कर दिया बाकी तो के लिए, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है और हम सबको पता है कि हम सबको पता है कि क्या है और हमें पता है यार कम से कम नहीं करें, हमें ये भी पता है उनको भी पता है कि क्या है, सिर्फ हम सबको नहीं पता है, क्या आपको पता है कि हमें पता है। तो उसके बाद ये तो बट अभी इसहाक डार साहब भी जो कितना बेहतर होता, कितना गार्डेड ट्वीट था इसहाक डार साहब का, आपने पढ़ा है इसहाक डार साहब ने, वो जो ऑफिशियल हमारे मीडिया, उन्होंने नहीं कहा हम जीत गए हैं तुम्हारी ऐसी तैसी, तो ये मीडिया था जिसने, उन्होंने कहा जी वो जो हमारा मीडिया सेल ने जो बनाया और जो हमारा इलेक्शन सेल बता रहा है उसके मुताबिक हमें लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, डिप्लोमैटिक भी, आई मीन डिप्लोमेसी इज अ लिटिल लॉस्ट जनरली ऑन मरियम साहिबा, मगर अगर ये बेहतर होता ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी अभी तक पूरे रिजल्ट ना दे पाना उसको हाईलाइट कर देती, शुक्रिया अदा करना चाहिए मीडिया का जो ओवरड्राइव में काम कर रहा है कि ये नतायज जो हैं ये पहुंचे आवाम तक, इसको कवरेज मिले, इस इलेक्शन को लोगों को कवरेज मिले, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बट व्हेन यू डोंट, तो ये लगता है कि आप ये तासुर देना चाह रहे हैं दैट वी आर द
not just the burnt, the victimized party here, but where the burnt one, to upper se aayenge ab. Upper se aayenge. This is the last thing na main kar raha hu. It is not in good taste. Kyunki na kya karna chahiye nahi janta main kya karna chahiye, lekin kya nahi karna chahiye bada baat hai ki ye to nahi karna chahiye. Main aapko bata dun kya karna chahiye. Ek to ye hai ki badi request, Maryam sahiba, aap hamari future leader hain. I am expecting you in the National Assembly as a leader of the opposition or leader of the house, Punjab ke andar leader of the opposition or leader of the house. Media advisor rakh le aap. Aap hamari future, nahi wo main bata raha hu, aap zahir hai aap badi political party ke leader hain. For God's sake, do not kill the messenger. आप ये जो मेहर बात कर रही हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने अपने जो है जो भी हमारे नामसाइद हालात है लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद हमने आवाम को अवेयर रखा कि कहां पे क्या हो रहा है. डिस इंफॉर्मेशन आज के दौर में थोड़ी सी अगर गलत हो जाए तो आपको पता नहीं है कि क्या हालात बनते हैं. लिहाजा फॉर गॉड से डू नॉट किल द मैसेंजर. सवाल आपका कैसे दिस इज नॉट किलिंग द मैसेंजर. अच्छा दिस इज ब्लेमिंग द मैसेंजर. अगर आप इसको प्रीएम्प्ट कर लें अल्लाह खैर करे, बट यू नो मुस्लिम दिस इज ब्लेमिंग द मैसेंजर. आपकी ये सारे मीडिया वालों ने क्रिएट के दौर में मीडिया जरा टफ टाइम में रहता है और रहेगा अभी आने के दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रीएम्प्टिव स्नीक पीक जिसे आप कहते हैं ना स्नीक पीक. मैं आपका आपके पास ही हूं. आप कह रहे हैं नून के दौर में मीडिया टफ टाइम में रहेगा, मेरे ख्याल में नून लीग टफ टाइम में रहेगी. नून लीग का दौर आ रहा है क्या? और किसका आ रहा है? हम